सहारा मैरिज हॉल मुंब्रा का शानदार ओपन वेडिंग हॉल विथ नेचुरल एनवायरनमेंट है। चाहे आपकी शादी छोटी हो या बड़ी, हम आपके सपनों को हकीकत में बदल देंगे। इन हाउस डेकोर वीआईपी लाउंज के साथ एम्पल ऑफ पार्किंग, डेस्टिनेशन वेडिंग कॉटेज, गेस्ट रूम, स्विमिंग पूल जल्द ही अवेलेबल होने वाला है। वेरियस डिस्काउंट ऑफर, जरूरत के हिसाब से दोनों हॉल इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। इजी कनेक्टिविटी के साथ बेस्ट कैटरिंग सर्विस, फुल फ्लेज मैरिज हॉल विथ एट्रैक्टिव पैकेज के साथ जो आपके बजट में, सहारा मैरिज हॉल। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। क्राइम ब्रांच यूनिट 5 ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 60 किलो गांजा और 290 ग्राम चरस, इसके अलावा 19 चरस हैश ऑयल पुलिस ने जब्त करते हुए ऋषभ संजय भालेराव को गिरफ्तार किया है। थाने के वागले स्टेट परिसर से गिरफ्तारी की गई है। पूछताछ में भालेराव ने बताया कि उसने इंस्टाग्राम पर मारले शॉप नाम से एक पेज बनाया था और उसी के माध्यम से ये नशीले पदार्थ की बिक्री किया करता था। जिन्हें नशीला पदार्थ चाहिए होता था वो पर्सनल आकर मैसेज करते थे और गूगल पे पे पेमेंट होने के बाद उन्हें पार्सल भिजवाया जाता था। लेकिन क्राइम ब्रांच यूनिट 5 को जब इसकी जानकारी लगी और आखिरकार ऋषभ भालेराव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी पैमाने पे गांजा पकड़ा है? थाना पुलिस आयुक्तालय में पहले से जो अमली पदार्थ विरोधी कार्रवाई करने के संदर्भ में माननीय पुलिस आयुक्त आशुतोष डुमरे सर की सूचनाएं थी, उसके हिसाब से पहले भी क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की है, लोकल पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। इसके हिसाब से यूनिट 5 के सीनियर पे विकास गोड़ के ईपीए भूषण शिंदे और पीएसआई माने और उनकी पूरी टीम, इनको एक इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ पे इंदिरा नगर वागे स्टेट के आदि में है, वहाँ पे गांजा बेचने के लिए आदमी आ रहा है। तो उन्होंने ट्रैप आयोजित किया, उसके तहत उनको एक ऋषभ संजय भालेराव करके आरोपी उसमें पकड़ा गया। उसके पास में से 3 किलो गांजा हस्तगत किया गया। इंट्रोगेशन के दौरान ऐसा पता चला कि वो रहने वाला उल्लासनगर का है और उसके घर पे भी कोई गांजा होने की संभावना है। तो इसके हिसाब से यूनिट 5 ने वहाँ पे हाउस सर्च किया। हाउस सर्च में लगभग वहाँ पे 60 किलो 500 ग्राम वेट का गांजा वहाँ से बरामद हुआ, 290 ग्राम चरस और 19 छोटी छोटी बॉटल जो जिसमें चरस ऑयल हैश ऑयल है वो बरामद हुआ। तो इसकी कुल मिला के कीमत है 31 लाख रुपीज़। और ये जो इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया कि मारले शॉप करके एक इंस्टाग्राम अकाउंट है आरोपी का, उसके ऊपर ये ऑर्डर लेता था और एक अकाउंट बैंक अकाउंट था उसमें वो जीपे के थ्रू उसमें पेमेंट लेता था। तो इन्वेस्टिगेशन में आगे जाके इसमें कौन कौन लोगों ने इसमें शॉपिंग किया है, कौन कौन लोगों ने इसमें परचेस किया है अमली पदार्थ और कितने लोगों का इसमें अकाउंट में पैसा जमा हुआ है, इसमें इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा। एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई, अमली पदार्थ विरोधी कार्रवाई यूनिट 5 ने यहाँ पे की है और ऐसी कार्रवाई आगे भी यहाँ पे चलती रही। सर, इतने मालूमत हुई है कि इतना बड़ी गांजा उसने एमपी से लाया है? निश्चित रूप से अभी जो इसमें बाकी का भी जो प्रोडक्ट है, गांजा है या चरस है, ये कहाँ से सोर्स क्या है, कहाँ से लाया, तो इन्वेस्टिगेशन में आगे चल के पता चलेगा।